ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। पेरिस ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं हूं शिबू जॉर्ज। बूंदाबांदी और लगातार हो रही हल्की बारिश ने जहां पेरिस में मौसम को ठंडा कर दिया, वहीं खिलाड़ियों और दर्शकों के जोश में कोई कमी नहीं दिखी। पेरिस 2024 का पहला पदक जीतने का श्रेय हासिल किया 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर रहने वाली कजाकिस्तान की टीम ने। जी हां, कांस्य पदक का फैसला शूटिंग में स्वर्ण पदक से पहले होता है। इस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक इसी इवेंट में चीन की टीम ने जीता। निशानेबाजी में पहला दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। जहां सबको स्वर्णिम शुरुआत की उम्मीद थी, वहीं निशाना चूक गया। विवरण के साथ नीतिश अरोड़ा। पेरिस से लगभग 300 किलोमीटर दूर शैतरो शूटिंग सेंटर में केवल एक मेडल प्रतियोगिता थी, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट। भारत की दो टीमें अर्जुन बबूता और रमिता जिंदल छठे स्थान पर तथा दूसरी जोड़ी संदीप सिंह और एलेविनिल बालारिविन 12वें पायदान पर रहकर पदकों की दौड़ से बाहर हो गए। स्वर्ण गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। चाइना वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन पेरिस 2024। रजत रिपब्लिक ऑफ कोरिया और कांस्य पदक कजाकिस्तान ने जीता। बाकी के दो मुकाबले क्वालिफिकेशंस मुकाबले थे। 10 मीटर एयर पिस्टल फॉर मेन में दोनों भारतीय खिलाड़ी क्वालिफिकेशन दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। अर्जुन चीमा 22वें स्थान पर फिसल गए। प्रिपरेशन अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, माइंडसेट भी अच्छा था, बट आज दिन नहीं था। दोष मैं किसी चीज को नहीं दूंगा, ऑब्वियसली इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एंड काफी कुछ सीखा मैं इस मैच से, और आगे ये चीज हेल्प आउट जरूर करेगी। बेशक 2028 इज कमिंग अप, उस पे ध्यान देंगे। पूरे दल के द्वारा एक अच्छी शुरुआत आगे के मुकाबलों में खिलाड़ियों में जोश भर देती है। क्या मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में पदक ना जीतने पर टीम के खिलाड़ियों के मनोबल में कुछ असर हुआ? नहीं नहीं सर, ये बहुत इंडिविजुअल गेम है, इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो आप पर इफेक्ट पड़ेगा। नहीं नहीं, आपकी खुद की गेम है, वो आप लेन पर खेले होते हो, आप खुद फायर कर रहे होते हो और वही मेन है। संदीप सिंह के लिए तो इस हार को संभाल पाना और भी कठिन था, क्योंकि वो 9वें स्थान पर आए। पदकों की दौड़ में शीर्ष के 8 खिलाड़ी ही पहुंचते हैं। आखिरी मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन फॉर विमेन था और मैदान में उतरी मनु भाकर और रिदम सांगवन। भारत के लिए पदक की सशक्त दावेदार मनु भाकर ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और क्वालिफिकेशन राउंड में तीसरे पायदान पर पहुंचकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुंबई से विशेष ओलंपिक्स खेलों को देखने के लिए पहुंचे एक दर्शक के साथ आकाशवाणी की बातचीत। यू फॉलो शूटिंग और ऑल द स्पोर्ट्स? ऑल स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, क्रिकेट, चेस, एवरीथिंग। हाउ डू यू समराइज टुडेज इंडियाज परफॉर्मेंस? ग्रेट एंड obviously you always miss that Sarabh Jyot missed by a single in a 10, but yeah, happy eventually that we at least have one final, we get to at least go to the finals halls tomorrow, otherwise we were spending all our time in the qualification range. First big event we saw was CWT 2010, then we went to Rio 2016. We had tickets for Tokyo, but we know what happened, and then we are here having fun. What are you expecting from Team India in this Olympics? I just want to hear the anthem wherever it happens. If I hear the anthem, I'm happy. Slogan for the team? Chak de India, standard one. Thank you so much. And slogan for personal is anthem chase. I'm on an anthem chase. खिलाड़ियों के साथ भरपूर मेहनत करते हैं कोच, जो खिलाड़ियों की जीत और हार को बराबर मानकर आगे के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। तो आज शूटिंग में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को रैप अप कर रही हैं टीम कोच शिरूर सोमा सिद्धार्थ। मैं कहूँगी आज डे वन रहा है मिक्स टीम राइफल में। टीम इंडिया 2 हमारी छठी स्थान पे रही, 1 पॉइंट से ब्रॉन्ज मेडल का प्ले ऑफ छूट गया, बट नेवरदलेस वी वर क्लोज। और 10 मीटर राइफल में सरबजोत बहुत ही मतलब इक्वल स्कोर, लेकिन इनर टेंस 1 पॉइंट से वो 9th पोजीशन पे रह गए और फाइनल्स मिस किया उन्होंने। लेकिन बहुत ही अच्छी खबर है कि मनु भाकर फाइनल्स में गई है। सो आई वुड से इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग ऑन डे 1, वी फिनिश्ड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हाउ इज द मोरल ऑफ द टीम?
The morale is very good because we've had a very good run up to the Olympics. So I would say the team is in good spirits. We have confidence in them and we look forward to some good performance. Today was only day one. We have many more days to go. Shooting mukablon ka dusra din hai. Sabki nazar rahegi 28 July ki aakhri event 10 meter air pistol women's final par Manu Bhakar Bharat ke liye padak ki daavedari pesh karengi. भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने, संस्कृतियों को जोड़ने और भारत की खेल महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में पेरिस में रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रायोजित इंडिया हाउस की शुरुआत हुई. पूरी रिपोर्ट के साथ वी शिवकुमार. द फर्स्ट एवर इंडिया हाउस फॉर एन ओलंपिक गेम्स वॉज इनॉग्रेटेड इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन पेरिस ऑन सैटरडे कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय नीता अंबानी ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. द फाउंडेशन इंटेंड्स टू बी अ होम अवे फ्रॉम होम for athletes and will showcase India's rich tradition and culture. The lamp lighting ceremony on Saturday was done in the presence of Olympians, including the Indian Olympic Association President P.T. Usha, Olympic gold medalist Abhinav Bindra, Raja Randhir Singh of Olympic Council of Asia, and was followed by a cultural performance. Here's International Olympic Committee member Ms. Nita Ambani on the reason for setting up an India House in Paris. Welcome to the first ever India House in the history of the Olympics. Today, we gather here at the Paris Olympic Games to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. Shri Mukesh Ambani. We hope and we pray that we get to double-digit medals this. We have now started this as an Olympic tradition. The India House will be a permanent feature of all Olympics and this is just the beginning. And it's our hope and desire that for the next generations of Indians, we have Olympics in India at least by 2036, 2040. Abhinav Bindra. It's wonderful to be here. It's wonderful to see that we have a wonderful presence in India House this time. And it's the first time that, you know, I've been involved in the Olympic movement for 20 odd years. And the first time we have a house. It's Raja Randhir Singh. It's a great idea. And I'm very happy that India has eventually, after so many years, has got an Olympic house together. And it should be there. It showcases our culture, showcases our hospitality, and showcases what we are. His Excellency Javed Ashraf, Ambassador of India in France. During an Olympic, almost every major country has a pavilion, so it's very important for us to have. And from what I have seen, this is clearly the best pavilion of any country or best house of the country that I have seen here so far in Paris. It is a wonderful platform to both celebrate all that is beautiful about India, its heritage, the music, the performing arts, the handicraft, the cuisine, the art, everything is showcased here, the classical and the contemporary also, the traditional and the modern, and something for every one. But this is also a not just a window to the extraordinary wealth of tradition of heritage of India, but it is also a place for us to celebrate, to cheer, and to welcome our athletes. Of course, the athletes are all going to be concentrating on their events, but as and when it is convenient for them, or whenever they have the time, this will be an opportunity for the fans to greet them, to celebrate them, to honor them. ओलंपिक इतिहास में पुरुष हॉकी में सबसे अधिक पदक जीतने वाली भारतीय टीम का आगाज इस ओलंपिक में अच्छा हुआ है और इसके गवाह बने हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह लालस. ऐतिहासिक येदुमोनो स्टेडियम में आज पेरिस ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धाएं शुरू हुई. पुरुष वर्ग के पूल ए के पहले मैच में जहाँ ग्रेट ब्रिटेन ने स्पेन को 4-0 से शिकस्त दी, वहीं नेदरलैंड्स को दक्षिण अफ्रीका को 5-3 से हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. पूल बी में पिछले ओलंपिक खेलों की चैंपियन बेल्जियम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया, वहीं जर्मनी ने फ्रांस को 8-2 से मात दी. पूल बी के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना को एकमात्र गोल से हराने में कामयाब रहा. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू डॉसन इन खेलों से पहले अपनी एक अंगुली गंवा चुके थे.
लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि वे ओलंपिक जरूर खेलेंगे. Seems to be the story of the Olympics so far, isn't it? To be honest, I'm just happy that we're out there playing now, so we can start to talk about some hockey. Pool B के एक और महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर इन ओलंपिक खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा में अपनी पहली जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने खेल शुरू होते ही हमले बोलने शुरू कर दिए, लेकिन डोमिनिक डिक्सन की दीवार को वे भेद नहीं पाए. पहली सफलता खेल के 8वें मिनट में न्यूजीलैंड को मिली जब सैम लेन ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अपनी टीम को बढ़त दिलाई. पहला क्वार्टर खत्म होते वक्त स्कोर था न्यूजीलैंड के पक्ष में 1-0. 24वें मिनट में मनदीप ने एक बेहतरीन गोल कर भारत को बराबरी पर ला खड़ा किया और हाफ टाइम तक स्कोर था 1-1. 33वें मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने भारत के लिए दूसरा गोल किया, लेकिन चौथे क्वार्टर के 54वें मिनट में साइमन चाइल्ड ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल स्कोर को फिर बराबरी पर ला खड़ा किया और भारत के हॉकी प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल खत्म होने के कुछ ही समय पहले पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए तीसरा गोल किया और इस तरह भारत अपना पहला मैच 3-2 से जीतने में कामयाब रहा. ये है टोक्यो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान और आज की विजय में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले मनप्रीत सिंह. एक्सपेक्टेड था कि हाँ कि ऐसा मैच रहेगा क्योंकि टूर्नामेंट का पहला मैच है, और दूसरा ये होता है कि जब आप ओलंपिक्स में खेलने आते हो तो आपको कोई भी मैच इजी नहीं मिलता है, और स्पेशली न्यूजीलैंड के साथ हमेशा ही हमारे मैच टफ रहता है, और न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी टीम है, हमेशा फाइट देती है ना. तो बट ये था कि हाँ काफ़ी चांसेस मिले हमें, तो बस ये कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा हमें कन्वर्ट करना होगा जब भी हम लोग चांस मिल रहे हैं, क्योंकि अच्छी टीमों के खिलाफ कम ही चांस मिलते हैं, उन्हीं को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, हम लोगों ने गोल डाउन होने के बावजूद भी कम बैक किया, तो वो एक अच्छा था. मोरल सभी पूरी टीम का ऐसा नहीं था कि हाँ कि गोल हो गया तो उसके बाद डाउन नहीं था, सभी कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग कम बैक कर सकते हैं. ये है भारत के लिए दूसरा गोल करने वाले विवेक. गोल डिपेंड नहीं करता, मेन डिपेंड करता मेरे लिए कि टीम कैसा, हम लोगों ने टीम परफॉर्मेंस कैसा किया, और नो डाउट कि बहुत अच्छा, और एक ओवरऑल 3 पॉइंट लेके जीते निकले हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था फर्स्ट मैच में. यही कोशिश करेंगे कि अगले मैच में भी 3 पॉइंट लेके जाएं ताकि हमारा जो पूल स्टेज है वहां पर हम लोग ऊपर रहें. भारत की पुरुष हॉकी टीम अपना अगला मुकाबला खेलेगी अर्जेंटीना के साथ 29 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 4:15 पर. आकाशवाणी पर इस मैच का आंखों देखा सुनना न भूलें. लगातार पिछले 3 ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में भारत के लिए जगह सुनिश्चित करने वाले हमारे शटलर्स के लिए पहला दिन कैसा गया, पूरी रिपोर्ट के साथ राकेश जैन. सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों का उभरता हुआ 80% हरियाली से आच्छादित इको फ्रेंडली पोद्दा लाशापेल एरिना में 8,000 दर्शकों की उपस्थिति में भारतीय शटलर्स ने अपने विजयी अभियान का शानदार आगाज किया. भारत की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में दमदार उपस्थिति की झलक यहां भी देखने को मिली. कल बैडमिंटन मुकाबलों के पहले दिन पुरुष एकल में पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने अपने दमदार स्मैश और बेहतरीन ड्रॉप से पहला गेम आसानी से 21-8 से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में 37 वर्षीय ग्वाटेमाला के केविन कोर्दन ने दमदार प्लेसिंग नेट पर चिपकते हुए ड्रॉप देकर एक समय 20-16 से बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने भारतीय उम्मीदों को पंख लगाते हुए सूझबूझ और धैर्य से कोर्दन को लगातार बैकहेंड पर खिलाकर पहले स्कोर 20-20 पर ड्यूस किया और फिर 22-20 कर कोर्दन को दूसरी बार हराकर भारत को बेहतर शुरुआत दी. जीत के बाद लक्ष्य ने आकाशवाणी को बताया कि पहला मैच हमेशा संघर्षपूर्ण होता है. काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं वो पहले, एंड अभी मेरा फर्स्ट मैच उनसे था. आई थिंक मैंने काफी प्रिपेयर किया ये मैच के लिए कि मैं अपना बेस्ट गेम लेके आऊँ इस मैच में, बिकॉज एक इम्पोर्टेंट मैच है ये इस ग्रुप स्टेज का. इससे पहले भी मैंने इनसे एक बार मैच खेला था 2021 में, वो जीता था, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी मुझे था कि यस मैं दोबारा जीत सकता. भारत का दूसरा मैच पुरुष युगल ग्रुप स्टेज भी कोर्ट नंबर 1 पर ही खेला गया. एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता, वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर रहने और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और रजत पदक विजेता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्थानीय जोड़ी लुका कोवे और रोनन लाबा को 46 मिनट में 21-17, 21-14 से हराकर आशानुरूप जीत दर्ज की. चिराग और साई की जोड़ी ने नेट प्ले और मजबूत डिफेंस के साथ उत्कृष्ट खेल दिखाया. जीत के बाद चिराग शेट्टी, हम काफी बार इधर खेले हैं, उनके साथ भी खेले तो हमें उनका गेम भी पता था वैसे, बट हाँ इधर क्राउड बहुत अच्छा है, इंडियन सपोर्ट भी काफी अच्छा है, तो काफी अच्छा लगा खेल के. सात्विक साईराज ने अपनी खुशी यूं जाहिर की.
अच्छा है, फर्स्ट मैच है तो थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब हम लोग हमारा गेम खेलना स्टार्ट किया तब अच्छा खेला। विलेज में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना है तो सब लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम भी अच्छा खेलने के लिए कोशिश करेंगे, जरूर हम लोग 200% देके अच्छा खेल के इधर से जाएंगे। आज का तीसरा मैच वुमेन्स डबल ग्रुप प्ले स्टेज में भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम जो यांग और कोह योन के बीच था। इतिहास के आईने से देखे तो भारतीय खिलाड़ी अश्विनी का ये तीसरा ओलंपिक था। 2011 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य के अलावा इस जोड़ी ने 2024 में एशिया टीम चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया की यह जोड़ी 2020 टोक्यो में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 में ऑल इंग्लैंड जीत चुकी है। अक्टूबर 2022 में विश्व की नंबर एक जोड़ी भी रह चुकी है। भारतीय जोड़ी ये मैच भले ही 18-21-10-21 से हार गई, किंतु पेरिस के कोर्ट पर किस तरह आगे आने वाले मैचों में खेला है ये सीख जरूर दे गई। तनिषा क्रास्टो, आई थिंक हमारा स्टार्ट बहुत बढ़िया रहा, हमें गेम का समझ काफी अच्छा आया था। सेकंड सेट में शटल थोड़ी सी फास्ट हो रही थी, हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी उस चीज में अडेप्ट करने की। हाँ, हम हारे ये वाला मैच, बट अगले मैच के लिए हमें बहुत अच्छा आइडिया है कि कोर्ट के कंडीशंस कैसे और हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, तो हम जरूर अगला मैच में और कोशिश करेंगे। अश्विनी पोनप्पा, अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्रोल वाजंट द बेस्ट एज इट शुड हैव बीन, आवर ओपोनेंट्स कंट्रोल्ड वे बेटर एंड होपफुली द नेक्स्ट मैच विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पी गोपीचंद ने लक्ष्य सेन की जीत पर खुशी जाहिर की। काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और ये तो इनिशियल राउंड्स है, कल और परसों जो अगले दो मैचेस होंगे वो थोड़ा सा टफ रहेंगे इसके, बट पहला राउंड ओलंपिक जैसा नया माहौल सेटिंग उसमें मैं मानता हूँ कि पहला राउंड कभी भी ट्रिकी हो सकता है और अच्छा है कि लक्ष्य सेन ने ये जीता है। मेंस डबल्स के मैच पर पी गोपीचंद ने मेडल जीतने की संभावनाओं के साथ आगे के मैचों पर कहा, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, आई थिंक ओवरऑल सात्विक और चिराग का मैं मानता हूं कि अच्छे कंटेंडर्स हैं मेडल के लिए, बट यस बहुत सारे टीम्स ऐसे भी है जो अच्छा खेलते हैं और ऐसा ओलंपिक माहौल में बहुत बारीक का अंतर रहता है टीम और टीम में, तो मैं मानता हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस आज है ये पॉजिटिव है और आने वाले समय में जो भी मैचेस रहेंगे उसके लिए ये हेल्प करेगा। आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पीवी सिंधु का मुकाबला मालदीव की फातिमा नाभा अब्दुल रजाक से और मैन सिंगल ग्रुप प्ले स्टेज में एचएस प्रणॉय का जर्मनी के फाबियन रोथ से होगा। शटलर्स की तरह पैडलर्स ने भी निराश नहीं किया। टेबल टेनिस में क्या कुछ हुआ, सुधीर राजौरिया की जुबानी। साउथ पेरिस अरीना में टेबल टेनिस के मुकाबले आज शुरू हुए, जहां पुरुषों के एकल वर्ग में भारत के हरमीत देसाई का मुकाबला जॉर्डन के जैद अबू यमन के साथ था। हरमीत ने बड़ी आसानी से अपने विरोधी को 11-7, 11-9, 11-5, 11-5 से मात देकर अगले दौर में जगह बनाई। ये मुकाबला कितना एकतरफा था इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे लंबी चली रैली में सिर्फ 13 स्ट्रोक लगे, लेकिन अपने विरोधी को हरमीत कम नहीं आंकते। अपोनेंट तो काफी अच्छे विंस किया हुआ है पहले, मैं जानता हूं उनको, और जब ओलंपिक में क्वालिफाई होना ये बहुत ही कठिन बात होती है हर प्लेयर के लिए, तो इस मुकाम पे तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इजी हो, तो काफ़ी अच्छी तैयारी थी और शुरुआत में थोड़ा दबाव था पहले 1-2 गेम में, लेकिन जैसे जैसे खेलता गया कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैच भी उस तरह से मैं खत्म कर पाया। आने वाली चुनौती को लेकर हरमीत ने कहा, वही अभी ये मैच से तो मूव ऑन करना है और नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर करूंगा, फेलिक्स लेब्रून जो अभी वर्ल्ड नंबर 3 है, 3rd सीडेड है यहाँ पे, तो उनके साथ मैच है और पूरी तैयारी के साथ उस मैच में भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। उनके साथ एक तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो उनके लिए सपोर्ट भी बहुत होगी, इस चीज़ से आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? हाँ, होम ग्राउंड तो है लेकिन साथ ही साथ काफ़ी प्रेशर में भी वो होगा, तो और उसके लिए भी फर्स्ट ओलंपिक्स है तो ऐसे इवेंट में खेलना और उसका फर्स्ट मैच है, जैसे मैं पहला मैच खेल चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे पास थोड़ा मैं इस कंडीशन से सेट हूँ तो उसको शायद टाइम लग सकता है सेट होने में, जैसे आज मुझे लगा पहली 2 गेम्स का, तो यही कोशिश करूंगा कि शुरुआत अच्छी करके उस पे दबाव बना पाऊं। कोच सौरभ चक्रवर्ती को लेब्रॉन की योग्यता पर कोई शक नहीं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि हरमीत की तैयारी भी कोई कम नहीं। फ्रांस का जो खिलाड़ी है लेब्रॉन, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत यंग है और टॉप 10 इन द वर्ल्ड है, तो हरमीत भी बहुत अच्छा फॉर्म में है, तो उसका मैच में मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा खेलेगा वो, और जैसे खेला है बहुत इजीली वो जीता है, तो उम्मीद है कि फॉर्म वैसे मेंटेन करेगा वो। और आप हैं भारतीय टीम के प्रमुख कोच मासिमो कोस्टांटिनी। वी न्यू दैट जॉर्डन इज अ गुड प्लेयर, डेंजरस इन सर्टेन मोमेंट,
but Harmit has a better skills overall, so he could manage in different ways, and that was the key points to get that margin. LeBron के साथ कल होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले को लेकर कोच कॉन्स्टेंटिनी कहते हैं, Felix LeBron is a rising star in France, in the world, is not even 18 years old, and having a very particular game, starting from the grip, Panolder is very fast over the table. He will be playing tomorrow at 8 p.m. Paris time, and it won't be easy, and tomorrow there will be a very, very strong support on him. Let's see. We have to get there because we have that abilities to play long rally, to place the ball, and as usually say to the players, you just don't focus on what others do, but focus what you could do and trust your abilities. So my job is to encourage him to apply his abilities. पेरिस में आयोजित 1900 के ओलंपिक खेलों से ही रोइंग स्पर्धाएं ओलंपिक का हिस्सा रही हैं, जबकि भारत ने पहली बार सिडनी ओलंपिक्स में इस खेल में भाग लिया था। रोइंग में कल क्या कुछ हुआ, जानते हैं राजश्री त्रिवेदी से। भारत के बलराज पवार ने वेरिस सुर मारने नॉटिकल स्टेडियम में पुरुष सिंगल स्कल्स रोइंग स्पर्धा में हीट वन प्रतिस्पर्धा करते हुए पवार चौथे स्थान पर रहे और रेपशाज राउंड में आगे बढ़ गए। न्यूजीलैंड के थॉमस मैंकिटोश, ग्रीस के स्टेफानोस नटोस्कस और मिस्र के अब्दुल खलेक अल्बन्ना ने शीर्ष तीन स्थान हासिल किया, जिससे वे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। नटोस्कस टोक्यो 2020 के मौजूदा चैंपियन है, जबकि मैंकिटोश ने पहले अपनी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीता था। बलराज पवार भारत के एकमात्र दावेदार हैं इस खेल में। बलराज पवार के कोच बजरंग लाल ठक्कर, लास्ट वन ईयर से बलराज के साथ में हूँ, उसको कोचिंग कर रहा हूँ। हमने ओलंपिक क्वालिफिकेशन किया है, फिर ओलंपिक्स में आए हैं, ट्रेनिंग किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्ट का हमारा जो स्ट्रेटजी था वो वीक रहा, वहाँ पर हम नहीं कर पाए, लेकिन वो हम रैपर चार्ज में जरूर करेंगे और इसी के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि हमारा जो एवरी 500 मीटर का स्प्लिट है वो हमने एक जैसा करने की कोशिश किया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट थोड़ा सा फेड हुआ है, जिसके कारण अभी आगे ध्यान रखेंगे। ओलंपिक्स में टेनिस प्रतियोगिताओं के पहले दिन कल पेरिस में सुबह से लगातार हो रही रिमझिम बरसात ने किसी और प्रतियोगिता पर तो नहीं, लेकिन टेनिस पर अपना असर जरूर दिखाया। रोलां गारो के आउटर कोर्ट्स में निर्धारित बहुत से मुकाबले रद्द कर दिए गए। 12 नंबर कोर्ट में पुरुषों के युगल मुकाबले में रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी का सामना स्थानीय जोड़ी एडॉर्ड रॉजर वैसलिन और गेल मोनफिल से होना था। यहां गौरतलब है कि फ्रांसीसी जोड़ी में आखिरी क्षणों में हुए बदलाव के कारण फैबियन रिबॉल की जगह गेल मोनफिल्स ने ली। इस बार ओलंपिक्स में नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल आदि की उपस्थिति ने टेनिस को काफी आकर्षक बना दिया है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन को पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां उनका सामना चिर प्रतिद्वंदी राफेल नडाल से हो सकता है। जोकोविच का कहना है कि वो इस बहुचर्चित मुकाबले के लिए तैयार हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए 24 ग्रैंड स्लैम विजेता जोकोविच का कहना है कि ओलंपिक्स उनके लिए अलग मायने रखता है। Today I played somebody that is focused on doubles only for the last 2-3 years, so it was a little bit different, you know, on the court for him. He hasn't played singles match in a long time, but you know, feel the atmosphere of the fans, full stadium, so respective countries and people who don't maybe necessarily follow tennis all the time, but are here to support us players as well, that are tennis players that are part of this Olympic games that are, you know, the most important obviously sports event in the history of sports. So it's a great honor and privilege to be here. मुक्केबाजी भी उन स्पर्धाओं में शुमार है जिसमें भारत ओलंपिक पदक जीत चुका है। पेरिस 2024 में मुक्केबाजी के पहले दिन पर नजर रखी शौर्य चौधरी ने। The fag end of a rainy Parisian evening shone bright for the Indian Olympic contingent as 20-year-old Preeti Pawar punched her way past Vo Thi Kim An of Vietnam to reach the round of 16 of the women's 54 kg category.
electric atmosphere at the North Paris Arena and celebrity attendee PT Usha egging her on combined to spur the youngster to launch an aggressive comeback in the second round, having been outpunched in the first. Preeti's waif-like figure darted around the ring as she avoided her adversary's punches deftly while landing a series of clean ones herself. In the end, her upping the ante made the difference as she claimed a unanimous 5-0 victory, much to the joy of the Indians cheering her on from the stands. Preeti Pawar. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेरा first Olympic और first bout थी मेरी ये like a bit pressure also but when I entered the ring I just see my opponent and I know that I'm going to do this. So I did my best. We asked a jubilant Preeti what changes she made in the second round to start dominating her older opponent. Like first round, I think I did a bit more checks, which I don't need. I need to pressure more, but sometimes it happens. Then I, during the rest, I changed my mind that I need to push her back. So I need to throw more punches. I need to attack and pressure her more. My hope is to give my 100%. That's why I came here, to give my 100% and make India proud. The going only gets tougher for the Asian Games bronze medalist though, as she will face World Championship silver medalist Yeni Arias from Colombia in the pre-quarters on Tuesday. पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के आज की स्पर्धाओं की जानकारी के साथ सैवियो नरुना। There's quite a lot of action for Indian athletes at the Paris Olympics 2024 today. In shooting, first up in the morning will be Ramita and Elavinil Valerivan in the 10-meter air rifle women's qualification round. In the 10-meter air rifle men's qualification, Sandeep Singh and Arjun Babuta will be competing today. But the all-important event is Manu Bakker in the 10-meter air pistol women's final. Can she make history here at the Paris Olympics? Let's wait and watch. In badminton, PV Sindhu will be playing against Fatima Nabah Abdul of Maldives in the women's single round. In the men's singles, it will be India's H.S. Pranoy versus Germany's Fabian Roth. It's an important day for the archers because the women's team quarterfinal is being played today. In boxing, it will be Nikhat Zarin of India versus Maxi Karina Klutzer of Germany. And what's up in table tennis? It's Srija Akula of India versus Kristina Kolberg of Sweden. The superstar for so many years and veteran Olympian Sharath Kamal will be playing against Denny Kozul in the men's singles round. And Manika Batra will be battling it out against Great Britain's Anna Hersey. Late in the evening, it will be Harmit Desai versus Felix Lebrun of France in the men's singles round of 64. So say a little prayer or keep your fingers crossed as we wait and watch if Manu Bakker gets that elusive Olympic medal for India today. और अब चलते चलते एक नजर पदक तालिका पर। As athletes got into action mode, the medal tally at the end of the day saw Australia leading the pack with 5 medals. They clinched 3 gold and 2 silver. 1 gold was in road cycling and 2 were in swimming. China were in second place with 3 medals, consisting of 2 gold and 1 bronze. The United States of America were in third place with 5 medals, with 1 gold in swimming. The host country France have attained 4 medals, that's 1 gold, 2 silver and 1 bronze. Countries such as Belgium, Japan, Kazakhstan and even Hong Kong opened their account today. So as the days progress, the number of medals will progress and we'll keep you updated with what's going on as far as the medal tally is concerned every day at the end of our report from the Paris Olympics 2024. पेरिस ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ कल इसी समय हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार। ये थी पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। आलेख, स्वर और प्रस्तुति शिबू जॉर्ज। 33वें ओलंपिक खेल पेरिस 2024। सुन रहे थे पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेलों की दैनिक रिपोर्ट। ये कार्यक्रम
आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा पेरिस में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।